संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वाद हो विवाद हो लेकिन सार्थक संवाद हो। विपक्ष ने कहा, आर्थिक मंदी, किसानों की समस्या, बेरोजगारी और जम्मू कश्मीर पर पहले बहस कीजिए। एनडीए से बाहर होने के बाद शिवसेना को अब संसद में विपक्ष के साथ जगह मिली। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा कोई अपने आप को भगवान न समझे। जेएनयू में बढ़ी फीस को लेकर टकराव जारी। जेएनयू छात्र संघ का आज संसद तक मार्च। जेएनयू परिसर के बाहर धारा 144 लगाई गई। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे शरद पवार। संजय राउत बोले, दिसंबर तक बन जाएगी तीनों पार्टियों की सरकार, मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा। राजस्थान के बीकानेर में बस ट्रक की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी। हादसे में 10 यात्रियों की मौत, कई घायल। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा, कहा हमें दूसरी जमीन मंजूर नहीं। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े देश के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। और श्रीलंका के पूर्व रक्षा सचिव गोटाभाया राजपक्षा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। शपथ ग्रहण आज।